नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम। स्वागत है आपका बुधवार भड़ास में, जहां हम रैंट करते हैं, रोस्ट करते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, प्रोपोगंडा फैलाने वाले पॉपॉ के पपीज और आईटी सेल के मोद्रिकियों के साथ साथ नॉन बायोलॉजिकल विश्वगुरु और उनके प्रभु कुत्ताओं को भी लपेटते हैं। तो आइए, चलिए शुरू करते हैं, मजा आएगा। देश भर में जनता औरतों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरी है, वहीं बलात्कारी राम रहीम और आसाराम को बेल और पेरोल मिली है। गवाही देने वाली लड़कियों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने छीनी है। ब्रिजभूषण का कवच भेदना क्यों इतना मुश्किल है? अडानी ने एयरपोर्ट तक पे जीएसटी नहीं निकाला है। मिडिल क्लास टूथपेस्ट पे भी बेलन चला रहा है। बैकस्ट्रोक की सरकार ने लेटरल एंट्रीज पर भी यू टर्न लिया। पहले ब्रॉडकास्ट बिल पे लिया था। लीडर ऑफ अपोजिशन के बिना सरकार चलाना ही इनके लिए ठीक था। 151 एमपी एमएलए पे चल रही औरतों के खिलाफ जुर्म के केस। मोगली जी मचा रहे चुनावी टाइम में शोर, क्योंकि जनता को पसंद है बेस। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। कंगना ने अपनी जहरीली जुबान से अपने दिमाग का प्रमाण दे दिया है। ऋतिक के बाद उसकी पार्टी ने भी उसे डिसोन कर दिया है। महिला सुरक्षा में योगी जी ने दिखाया अपना दम। उत्तर प्रदेश का महिला सुरक्षा में स्थान कंगना की आईक्यू से भी कम। वंदे भारत में दिखी सिलाई 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 वंदे भारत में सिलाई हो रखी है। सप्ताह की सबसे बड़ी खबर, वॉर रुकवा दी पापा, I mean, मोगली जी पहुंच गए हैं यूक्रेन का युद्ध रुकवाने। लेकिन एक मिनट, वॉर तो इन्होंने चुनाव से पहले नहीं रुकवा दी थी। वॉर रुकवा दी पापा। अच्छा, अभी दोबारा चुनाव आ रहे हैं तो दोबारा वॉर रुकवा देंगे। इतनी वॉरें तो हो नहीं रही हैं जितनी मोगली जी रुकवा देते हैं। खुद के देश में औरतों के खिलाफ जुर्म नहीं रुकवाए जा रहे, लेकिन वॉर रुकवा दी पापा। खुद के देश का मणिपुर 2 साल से जल रहा है, लेकिन वॉर रुकवा दी पापा। खुद के देश के ऑपोजिशन के नेताओं को जेल में डाल रखा है नॉन बायोलॉजिकल ने, लेकिन वॉर रुकवा दी पापा। मतलब आदमी कुछ ना करे, बंदा थोड़ी सी शर्म तो करे। जिसका खुद का देश जल रहा हो, वो अपने देशवासियों का कोई ख्याल नहीं कर रहा है। सही पकड़े हैं। Meanwhile, जनता is like, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, मैं क्या करूं, फिर मर जाऊं। नहीं, मतलब आप खुद सोचो, जिस आदमी के यूक्रेन जाने से इस फालतू प्रोपेगेंडा के चक्कर में टेक्निकली हमारे देश के कितने जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान हट गया है। मतलब गोदी मीडिया से तो देखो, मुझे वैसे भी कोई उम्मीद बची नहीं है, लेकिन इनके इस यूक्रेन वाले स्टंट के कारण बाकी पेजेस और अकाउंट भी न्यूज में अब क्या ही दिखाएंगे, क्योंकि जो बिकेगा वही तो चलेगा, और जो बिकेगा वो यही चल रहा है। बताओ, ये चल रहा है? देखिए, स्टूडियो में हमने बकायदा कुछ इक्विपमेंट्स हमने यहाँ पर मंगाए कि आखिर जिस साइकोलॉजिकल टेस्ट की चर्चा की जा रही है, संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रही है सीबीआई की टीम, जिसके लिए दिल्ली से वहां पर टीम गई है कोलकाता में, कल भी हुआ और आज भी हो रहा है, वो आखिर होता कैसे? ये एक डमी है और ये क्या क्या इन पर लगा हुआ, ये बातें रखे। सो हम ब्रेन मैपिंग के लिए उसके इलेक्ट्रोड्स रखते हैं। इलेक्ट्रोड्स जो बिकेगा वही चलेगा। वैसे ये बात तो गोदी मीडिया के संदर्भ में भी सच है। गोदी मीडिया से याद आया, सुना इस हफ्ते ऑप इंडिया का अकाउंट सस्पेंड हो गया। हेलो जकरबर्ग भैया, उनो रिवर्स ही कर दिए तुम तो। लेकिन मेरी फेवरेट खबर इस हफ्ते की ये है कि लोगों ने कलकत्ता पुलिस को चूड़ियां और साड़ियां भिजवाई हैं। वाह रे पेट्रियार्की, औरतों के लिए लड़ते वक्त भी तूने औरतों को नीचा दिखाना तो कोई तुमसे सीखे। चार गुजराती चला रहे देश, दो रहे खरीद, दो रहे बेच। नमस्कार, मैं हूँ संजना मोदी और आप देख रहे हैं दल्ला बोल। बदलापुर में 2-4 साल की नर्सरी की बच्चियों के साथ दुष्कर्म। भारी मात्रा में प्रदर्शन कर रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की खबर दिखानी है ऑपोजिशन स्टेट के लिए? अच्छा,
क्या है ये प्रोपोगंडा, क्या है ये साजिश, हम दिखा रहे हैं तो प्रोपोगंडा ही होगा। खैर अच्छा, कोलकाता वाला बताते हैं ना। हाँ, आरजीकर केस में वेस्ट बंगाल की सीएम ने वेस्ट बंगाल की सड़कों पे वेस्ट बंगाल की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके ये साबित कर दिया है कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री को भी वेस्ट बंगाल की सरकार पे भरोसा नहीं है। क्या हमें बना देना चाहिए मोगली जी को वेस्ट बंगाल का सीएम? साथ ही गिरती गिरती खबर आ रही है कि देश में 151 एमपी और एमएलए पे औरतों के खिलाफ जुर्म के केस दर्ज हैं। अरे तो क्या हो गया, अगर भाजपा के नेता सबसे ज्यादा हैं तो राज्यों में वेस्ट बंगाल के आगे कोई निकला है कि नहीं निकला है? हाँ छोटू देख, पेटीएम पर 15 रुपए प्राप्त हुए कि नहीं हुए? जय पद्मश्री दोस्तों, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। बताइए, कभी मोगली जी के विराट रूप पे ट्वीट करती हूँ, खालिस्तानियों के खिलाफ बोला तो मुझे मेरी पार्टी इग्नोर कर देती है। अभी तो हमें और जलील होना है। बताओ ये लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे मतलब ये संबित पात्रा पूरे दिन उई उई पुई पुई बिस्किट खाओ करता रहता है, इसको कोई कुछ नहीं कहता। निम्मोताई कह गई संसद में ऐसा कलयुग आएगा, मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊंगी, रूपी नेचुरल कोर्स पाएगा, लेकिन मुझे डिसोन कर दिया, उनको बना रखा है वित्त मंत्री। हमारे यशस्वी नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री खुद को नॉन बायोलॉजिकल कह देते हैं कि मुझे तो ऊपर वाले ने भेजा है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, लेकिन मुझे मेरी ही पार्टी ने मतलब हाय रत्ता। देखो गैर, खबर फैक्ट्स वैक्ट्स हो गए, अब आते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन पे, पॉलिटिकल्स मीम रिव्यू। गौरव आर्य ऑन अ टीवी शो कॉल्स अ पाकिस्तानी स्पीकर बेवकूफ का बच्चा एंड देन इमीडिएटली सेज मैं तुम्हारा बापू, मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। मोदी जी ब्रिंग्स अ लॉ, पब्लिक कहती है क्या लॉ है, मोदी जी विड्रॉज द लॉ, क्या बात है यार, बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, वाह मोदी जी वाह। कीर्ति आजाद सेट के सब निपट गए मोगली जी की फोटोज देख के, तो बीजेपी वेस्ट बंगाल उसको कोट ट्वीट करके कहता है ममता की फोटो के साथ कि हु इज द नेक्स्ट सीम्स लाइक वी नो द आंसर। लेफ्टिस्ट कह रहा है नो वे, बीजेपी जस्ट कॉल्ड देयर ओन पीएम पनौती। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, ट्वीट भी वो वायरल हुआ जिसके फॉलोअर्स कम था। डिलीट मंडल, जितने पुराने ट्वीट मंडल जी ने डिलीट किए हैं, दिस शुड बी हिज ऑफिशियल हैंडल, पेटिशन टू चेंज दिलीप मंडल टू डिलीट मंडल। वैसे श्याम मीरा भाई ने सारे निकाले भी हैं उनके दोबारा। नेहरू लिखते हैं कि दिस कार वॉश इन पुणे इज इनसेन, नितिन गडकरी डिजर्व्स भारत रत्न फॉर दिस जेम ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए लेकिन पद्मश्री तो कंगना को मिला है। मोगली जी पूछते हैं हाँ तो लखपति दीदी बताओ मेरी योजना से जुड़ने से पहले आप क्या थी? दीदी कह रही करोड़पति। हेलो हाँ अडानी भाई, हाँ हूँ एक मीम भेजू छू, हाँ देख लो, हाँ सावधान रहे सतर्क रहे, हो बराबर। शुक्र है श्री राम ने पुल वानरों से बनवाया, गुजराती ठेकेदारों से बनवाते तो कभी लंका नहीं पहुंच पाते। अरे अब लंका पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते ये तो नहीं पता, लेकिन लंका लग जरूर जाती। जाते जाते आपको याद दिला दूं कि हमारे प्रधानमंत्री के इस महिला सशक्तिकरण के इस लंबी लंबी फेंकनी मेरा मतलब स्पीच के बाद महिला पहलवानों की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। जिन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ गवाही देनी थी उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। मैं तो चलती हूँ लेकिन आप लोग ये खबरें याद रखना, ऑल्सो घंटी बजा लो यार, क्योंकि ना ये खबरें आपको गोदी मीडिया दिखाएगी और ना ही इतने फन के साथ आप लोग देखोगे। बाकी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दी ओनली कंटेंट क्रिएटर आई एम कम्पीटिंग विद इज मोगली जी। बाय। नहीं नहीं एक्चुअली जय श्री राम गाइस, जय श्री राम, सेफ्टी बहुत जरूरी है।